मैं मुबीन अहमद नेपाल से बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है कि रमजानुल मुबारक के आखिरी असरे के इतिकाफ के लिए मस्जिद में 19 तारीख को मगरिब से पहले पहुँचना ज़रूरी है या 20 तारीख को मगरिब से पहले? एतिकाफ जो है वो आखिरी अशरे का सुन्नत मुअक्कदा है। सही। तो आखिरी अशरे की जो इब्तिदा होगी वो 20वें रोज़े को ग़ुरूब आफ्ताब से जो है वो अशरा शुरू हो जाएगा, ठीक है। 21 तारीख शुरू हो जाएगी। तो 20वें रमज़ान को ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पहले बनियत एतिकाफ जो है वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाएं, और फिर जो है वो जब तक जो है वो माह शव्वाल का चांद नज़र ना आए उस वक्त तक मस्जिद से बिला हाजत शरई और तबाई कदम बाहर ना निकालें, ये ज़रूरी है। क्योंकि इस्लामी एतबार से जो दिन या तारीख चेंज होती है उसका ताल्लुक ग़ुरूब आफ्ताब से है। सही। तो इसलिए अगरचे एतिकाफ तो 21 से शुरू होगा लेकिन 21 तारीख जो है वो 20वें के ग़ुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए उससे कुछ लम्हा पहले ही जो है वो मस्जिद के अंदर बनियत एतिकाफ मौजूद हो जाएं। 19 को जो ये समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि 20वीं रमज़ान को ग़ुरूब आफ्ताब से पहले बनियत एतिकाफ मस्जिद में दाखिल हो जाएं तो सुन्नत एतिकाफ इनका शुरू हो जब जाएगा। 20वां रोज़ा चल रहा होगा, जी असर के बाद आ जाए, मगरिब असर से के पहले बाद पहले। आ जाएं, मसाइल मस्जिद में मसाइल भी बताए जाते हैं वो भी सुन लें, और जो भी जो है वो सेटिंग वगैरह करनी होती है सामान वगैरह दुरुस्त तरीके से रख कर, ताकि जब आपका एतिकाफ़ शुरू हो तो अब जो है वो फिर एतिकाफ़ में इबादत के अंदर आप मसरूफ़ अमल हो जाए।